हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल में फिर से आप लोगों को वेलकम कर रहा है। ये समय सुबह का 6:30 हो गया है, तो सारा काम शुरू हो गया है। मेरे साथ आप जुड़े रहे मेरे दिन के आज के दिन के हर एक कामों में, हर एक ब्लॉग में मैं आपको साथ जुड़े रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहे। यहाँ पर मैंने पापड़ छान लिया है और चाय बैठा दिया है। मैंने खाना बना लिया है, उसके ऊपर जो है मेरे क्या क्या डाला है बोलने से तो भात पका हुआ भात के ऊपर मैंने फिर ये तीता गुटी जो है डाल दिया है, और यहाँ पर मिर्च, हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है, उसके बाद लाई पत्ता डाल दिया है, खाना भी पक जाएगा। ये जो है ये भात जब पकने के जैसा होता है, उसके बाद जो पानी फेंक देता है, उसके बाद जो सूखने देता है, पूरा पकने देता है ना, उस टाइम में ये डालते हैं ना, तो दो तीन बार झंझट भी नहीं है, और इस तरह से पका कर खाने से मीठा होता है। तो चाय यहाँ में हो गया है, इसमें डाल बैठा देगा मेरा पति। पति जो है वो, पति और बच्चा जो है वो पानी भूख रहा है अभी। ये हम लोग जब तक वो दाल होगा तब तक ये चाय पी कर हम लोग ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद खाना खाकर बच्चा लोग अपने स्कूल में जाएंगे और मेरा पति जो है वो काम में जाएंगे ना। आलू यहाँ में जो मैंने भात के ऊपर में डाला था, चावल के ऊपर में जो डाला था मैंने, उसको आधा यहाँ में डाल दिया है। चिट्टा गुट्टी और ड्राई फिश और चिली ग्रीन चिली, लहसुन डालकर, और आलू जो आलू दो ठू है, इसको चटनी बनाएगा और इसको ऐसा ही गोटा खाएगा ना। तो मेरा पति का अभी खाने का टाइम हो गया है, काम जाने वाला है, साथ बसने वाला है। फ्रेंड्स ये देखो, हमेशा दौड़ते फुटकते रहते हैं, कल ट्यूशन के टाइम में दौड़ कर गया है तो गिर कर ऐसा जख्म हो गया है। अच्छा लगा तो दौड़ते रहते हैं, मत दौड़ो बोलने से भी नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डेटॉल लगा दूंगी उसके लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और कुछ सेप्टिक ना हो ना, चमड़ा पूरा छिल गया था, इसलिए मैं इसको डेटॉल लगा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी डे हो चुकी है, फिर से बजाज का ऑफिस में जाने, बजाज कंपनी का ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ में कुछ काम है तो मैं वहाँ में जाऊँगी और बच्चा लोगों को भी स्कूल में ड्रॉप कर दूँगी। और आज का दिन बहुत ऐसा काम है ना, तो कुछ करेक्शन भी करना है ना, तो सारा जितना हो सके मैं ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश करूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आते समय रास्ता के किनारे, हम लोगों का कॉलोनी के रास्ता के किनारे खुरी टमाटर नगा टमाटर भरा है ना, तो इतना पका पका हुआ है। फ्रेंड्स तो मैं अपर में मार्केट में जाकर फिर घर में आ गया है ना, क्योंकि वहाँ में कुछ काम था, इसलिए मैंने सुबह में ही निकलना पड़ा, क्योंकि मेरा बच्चा लोगों का आज के दिन मेरा बड़ा बेटा का बैंक अकाउंट खोलना था, क्योंकि उन लोगों का स्कॉलरशिप के लिए ना, तो उसका अकाउंट खोलने के लिए तो आज के दिन ही वो लोग आएंगे बोला है। तो सुबह सुबह में ही जाकर 8:30 में ही ऐसा जाकर हम लोग दुकान से, वहाँ में दुकान में जाकर फ़ोटो स्टूडियो में जाकर उनका पासपोर्ट फ़ोटो खींचा, उसके बाद जितना डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड जो जो भी लगा है ना, वो सब जेरोस करके वो सब लेकर उसके बाद उसका बैंक का खाता खोला है, स्कूल में पहुंचाया है, तो उसके बाद में आया है, क्योंकि उन लोगों का स्कॉलरशिप उनका नाम का अकाउंट का खाता उनके अकाउंट के खाता में ही आएंगे बोला है ना, तो स्कूल की तरफ से ये हेड मैडम की तरफ से आया है ना, तो इसलिए प्याज के दिन ही एक्चुअली फ्राइडे का ही बोला था, तो सैटरडे दिन में भी मेरा हालात इतना ठीक नहीं था, तो मैं नहीं ले जा पाया है, तो आज के दिन ले जाकर सब सुबह में ही सब तारा तारी कर रिश्तेदारों के साथ वो भाई का साथ भी बोला है कि आज के दिन मेरा बच्चा लोगों का स्कूल मिस हो जाएगा, और जल्दी से वो चाहिए ना, और आज के दिन ही वो लास्ट है ना, ये सारा कागज़ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है, तो जाकर तारा तारी करके वो करके लेकर स्कूल में पहुँचाया, सब हो गया है ना, उसका बाद में घर में आया है। तो फ्रेंड्स आज के दिन में ये विजन लगाएगा, ये जो है चारकुना बोलकर, चारकुना सब्जी बोलकर ना यहाँ में, तो मैंने माटी बहुत ड्राई होता है ना, अभी पानी का सीजन नहीं है, इसलिए मैंने दो दिन तो उसको पानी में भिगो कर रखा है, तो अभी ये
फूल चुका है ना, तो अभी लगाने से इतना ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ना उसका उसका जो बीजन जो है वो उगकर आने के लिए ना। तो मैं यहाँ पर बीजन लगा रहा है ना, घर का बगल में है। तो फ्रेंड्स ये समय है, दोपहर हो गया है, 1 बज गया है, मेरे बच्चा लोग भी स्कूल से सब आ गया है। तो अभी मैंने चाय बनाया है, लाल चाय बनाया है, क्योंकि दूध चाय पीने से हम लोग गैस्ट्रिक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो इसलिए जब मेहमान आता है तो हम लोग दूध चाय बनाते हैं, लेकिन घर खाने के लिए हम लोग घर में पीने के लिए तो हम लोग लाल चाय ही बना कर पी रहा है। तो ये समय मैंने लाल चाय बनाया है और पापड़ छाना है ना, तो इसको खाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये बनाया है, पापड़ छाना है। फिर से दोपहर में भी नाश्ता में भी मैंने पापड़ ही छाना है, और अभी फिर दोपहर में भी मैं पापड़ ही छाना है, लाल चाय बनाया है। इसके बाद इसका भी खाने के बाद फिर से पानी गर्म बैठा दिया है नहा देने के लिए, बहुत दिन हो गया नहीं नहाया है। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा है, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग लेकर, नया वीडियो लेकर। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा है, मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ। आप सभी को थैंक यू जो मेरे वीडियो को फॉलो करने के लिए, मेरे ब्लॉग को फॉलो करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कॉमेंट करने के लिए। आप सभी को थैंक यू, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं आप सभी को थैंक यू। और हमेशा आपका कॉमेंट आपका शेयरिंग मेरे वीडियो के ऊपर बनाए रखें, और आपकी प्यार मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखें। मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।